नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन और हम हाजिर हैं हमारी हिंदी की इस क्लासरूम के साथ कक्षा नवी के छात्रों के लिए। आज का हमारा ये सत्र है, तो आप हमारा ये कार्यक्रम पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 पर इस वक्त लाइव देख रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आज का हमारी सत्र के लिए रहेगा, वो है माटी वाली, जिसे लिखा है विद्यासागर नौटियाल जी ने। और इसे पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अपाला भार्गवी मैम, इज टीचर एंड कंसल्टेंट ऑफ हिंदी। नमस्कार अपाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपके सत्र में। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस रहेगा dth.class9@cit.nic.in। तो बिना किसी देरी के ये सत्र शुरू करते हैं और मैम की तरफ रुक करते हैं। अपाला मैम, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है माटी वाली, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, सत्र की शुरुआत इसी से करते हैं, कि ये शीर्षक क्यों दिया गया है माटी वाली यहाँ पर? ये शीर्षक दिमाग में रखिए कि जैसे काबुली वाला, फल वाला, फूल वाला, इसी तरह ये अनोखा है, ये टॉपिकल अनोखा है अपने आप में, क्योंकि माटी ऐसी चीज नहीं जिसे कोई दे किसी को या बेचे। लेकिन इस पाठ में एक महिला है, बुजुर्ग हरिजन महिला, मैं इसलिए कह रही हूं उसको क्योंकि इसमें उसकी पहचान एक हरिजन महिला के रूप में आती है, जो समाज में जिसे हाशिए पर रखा गया है। और वो आसपास के गांवों में, गांव अपने गांव के आसपास के शहरों में और लोगों को माटी बेचा करती है। माटी की जरूरत क्यों है, ये कहानी में आगे डिस्क्राइब किया जाता है। तो माटी बेचने वाली है, इसलिए उसे माटी वाली कहा गया। बिल्कुल, तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि माटी वाली की क्या कहानी है। माटी वाली की कहानी विद्यासागर नौटियाल जी ने इसे लिखा है, और विद्यासागर नौटियाल देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले थे। और बेसिकली ये व्यक्ति क्रांतिकारी, एक खास तरीके से आप कहिए आंदोलन करता थे। इनका परिचय विस्तार से उपलब्ध है, उपलब्ध कराया है, लेकिन उन्होंने ये घटना इसलिए लिखी क्योंकि जहाँ वो थे वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई, जैसे कुछ आंदोलन ऐसे हुए कि बहुत सारे लोग, टिहरी आंदोलन, टिहरी बांध बनाया गया पेड़ों को लेकर के, कुछ कटाई की गई। तो पहाड़ पर जो कटाई की जाती थी, वृक्षों का को काटना निर्मम तरीके से, और उसी तरीके से बांध बनाने के बाद जो घटना घटती है वो ये है कि बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक विस्थापित है पूरा समाज, वहां पर महिलाएं गांव के गांव उजड़ गए उस बांध के बनने के क्रम में। तो वहां पर ये माटी वाली जो है आसपास के गांव में जा करके शहरों में रह होती है, वो तप्पड़ मोहल्ले के की ओर बने हुए आखिरी घर में वो जाती है, और वहां जाकर के वह उसे, वहां पर ठकुरानी होती है, उसके घर में जाकर वो माटी देती है। माटी का लोग क्या करते हैं, माटी का इस्तेमाल करते हैं घरों में, जैसे आज आप लाइजोल और तमाम चीजों से घर की सफाई किया करते हैं। तो चूंकि घर पहाड़ों पर या गांवों में बने हुए, आज भी आदिवासी इलाकों में जो घर बने होते हैं, वो घर मूलतः बने होते हैं मिट्टी के, तो मिट्टी के घरों को की सफाई, उसको पूरी तरह से स्वच्छ करना, कीड़े मकोड़े न आ सकें, वहाँ जो जिस तरह के पौधों के या पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल होता है छत ढकने के लिए, उसमें कीड़े न लगे और एक मतलब स्वच्छता बनी रहे, उसके लिए जरूरत होती है मिट्टी के लेपन की।
तो जो लेप लेप लगाया जाता है और सुबह सुबह जैसे आप घरों में देखते हैं, सुबह उठे और माँ किचन में या पापा किचन में जाते हैं तो सबसे पहले स्लैब साफ करते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े अगर घूम रहे हो रात में तो सुबह सफाई के साथ। तो उसी सफाई के ही क्रम में जो गाँव में जो चूल्हे होते थे मिट्टी के, उनको लीपा जाता था। लीपने के लिए मिट्टी की जरूरत होती थी, गोबर और मिट्टी मिला करके लोग लीपते थे। तो उसमें चूंकि वहां पहाड़ों पर भगीरथी और भीलांगना, ये दो नदी वहां है, तो वो नदी से जो मिट्टी निकलती थी वो रेतीली होती थी। तो एकमात्र जगह थी जहां माटाखाना, इसमें जिक्र है माटाखाना, वहां मिट्टी अच्छी मिलती थी। वहां जाकर के कई किलोमीटर दूर जाकर के वो अपने गांव के माटे खाने से उठा कर मिट्टी और एक कंटर, कंटर यानी कनस्तर, ये जिसको हम अगर मान लीजिए आज के समय में कोई ड्रम कहें, छोटा सा ड्रम, उस टीन के ड्रम में वो डाल लेती है, टीन के ड्रम में इकट्ठा करके माटे खाने से मिट्टी, लाल मिट्टी इकट्ठा करती है और लेकर फिर उसे घंटों चल करके, कई घंटे लगते हैं उसे शहर में जाने में, और शहर जाकर वो उस मिट्टी को शहर के हर घर में देती है। तो उसका परिचय गांव का और शहर का, ऐसा कोई भी घर नहीं जो उससे परिचित न हो, उस हरिजन माटी वाली से। बार बार मैं हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उसके साथ जो गांव में लोग उसी तरह से ट्रीट करते हैं उसके साथ, कि कहीं कोने में बिठा देते हैं और तू जा वहां जाके कोने में डाला मिट्टी, क्योंकि मिट्टी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे ले जाकर के कमरे में कमरे के कोने में रखा जाए। घर के एक ऐसे कोने में डाल दी जाती है वो मिट्टी, जहां से फिर बीच बीच में उठाया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से वो कहानी चलती है और लोग काम करते हैं, चूल्हा लीपने के काम में आता है, जमीन मतलब कमरे की फर्श को, दीवारों को लोग उसका इस्तेमाल करते। तो हर दिन घर में ऐसी, हर दो तीन दिन बाद उसकी जरूरत हर घर को पड़ती है, तो पूरा मोहल्ला पूरा इलाका उससे परिचित होता है। और उस माटी वाली की जो जिंदगी होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। विस्थापित हो चुका है टेरी बांध के बनने के कारण, वो गांव उजड़ चुके हैं, कहीं कोने में वो जाकर, एक ठाकुर है गांव का, उसके घर के कोने में एक झोपड़ी बनाती है, उसमें वो और उसका बूढ़ा पति ये दो रहते हैं। किसी तरह गुजारा चल रहा होता, क्योंकि आजीविका का कोई और साधन नहीं है, मिट्टी बेचकर कितना पैसा मिल सकता है। तो कोई उसे खाने के लिए कुछ दे देता है, कोई उसे मतलब तरह तरह से लोग सामान दे देते हैं उसकी उसकी जरूरत की जो पूर्ति हो सके। तो ऐसे में एक ठकुरानी के घर जाती है, वहां जब रोट देती है तो ठकुरानी आती है और आकर उसे कहती है, ले पकड़ साग वाग तो कुछ है नहीं, साग यानी सब्जी, सब्जी तो नहीं है, तो ले पकड़ दो रोटी और तू खा ले, चाय मैं बना देती हूँ। इस घटना में जब वो पीतल के ग्लास में चाय लेकर सर्व करती है तो उस माटी वाली को देती है, तो उसे आश्चर्य होता है, कह रहे आज के समय में पीतल का ग्लास ऐसा, तो बोलती है, कह रहे ठकुरानी तेरे घर में अभी भी पीतल के ग्लास हैं। तो वो फिर बताती है, ठकुरानी कहती है, ये दोनों के बीच वार्तालाप है, आपस में बातचीत होती है, तो उससे एक पता चलता है इस घटना से, जो बातचीत होगी उससे ये भी आगे जो बात होगी वो मैं बताऊंगी, लेकिन इसमें वो फिर देखती है पीतल के ग्लास को, कहती है कि बहुत बुजुर्गों ने अपने पेट काट करके इस तरह के बर्तन इकट्ठा किए होंगे, जो आज की आज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जो आसपास के व्यापारी हैं आकर के मोल के भाव, इसी तरह कौड़ियों के भाव से हमारे यहां से पीतल के बर्तन इकट्ठा कर ले जाते हैं, और बदले में हम अपने घरों को सजो रहे हैं, सजाते हैं शीशे के बर्तन और स्टील के बर्तन। आज के समय में हम देख रहे हैं कि इन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए शीशे के बर्तन हो या स्टील के बर्तन, ये बेहतर नहीं माने जाते, हेल्थ पर असर पड़ता। आज देखिए मॉल में मिट्टी के बॉटल मिल रहे हैं, तांबे के बॉटल मिल रहे हैं, और हम लोग बहुत शौक से उसे खरीदते हैं और कहते हैं कि इसमें पानी रखिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, प्यूरिफाई करता है। और तो उस संस्कृति को हमने खो दिया, एक
अंधाधुंध जो समय चल रहा है, भागदौड़ और आधुनिकता के नाम पर हमने अपनी जो संस्कृति थी, सभ्यता था, थी मिट्टी के बर्तनों की और जो प्रयोग होता था, उन सबको हम पीछे छोड़ते चले गए। हम उससे निकलकर अपने को आधुनिक मानते चले गए कि हम आधुनिक हैं। समय का पहिया, समय का पहिया वापस घूमा, बिल्कुल वापस से जिन चीजों को उन्होंने त्यागा, जिनको सोचा कि ये कहां पुराने जमाने की चीज है, इन्हें अब छोड़ देना चाहिए, वापस अब दुगनी चौगुनी कीमत पर बात करें। तो ऐसी चीजों को हम अगर अपने समय की चीज का महत्व नहीं रखेंगे तो वो लौटेगा, लेकिन अलग तरीके से लौटेगा। तो एक अलग तरीके से वो लौटेगा। तो इस कहानी में वो घटना घटती है, पीतल के बर्तन का इस्तेमाल और उस पर चर्चा होती है। फिर वो कहती है कि रोटी तू लेके जा रही है, तो उसमें वो खाती है। खाते समय एक वाक्य इस कहानी में बार बार आता है कि भोजन मीठी कि इसमें वो भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब ये बार बार वो कहती है क्योंकि उसका पति, जब भी वो कुछ लेकर जाती है तो उसका पति देखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, साग नहीं है तो कोई बात नहीं, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब ये प्रश्न उठता है कि इस कहने का क्या तात्पर्य है, उस वो क्या बूढ़ा बार बार कहता है। यानी हमें जब भूख लगती है, पेट की आग जो है वो बड़ी होती है, भूख लगे तो सादा खाना भी मीठा लगता है। तो अब ये अगर हम विज्ञान की नजर से भी देखें तो भूख अगर बहुत तेज है और मुंह में पानी आ रहा है तो उस समय कुछ भी खाइए, उस लार से वो जो भी हम चबा रहे होते हैं वो मीठा लगने लगता है। तो भूख के से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी में भूख के लिए वो मिट्टी बेचती है, घर घर जाकर लोग उसको अलग नजर से भी देखते हैं। आज ऐसा भी नहीं है कि उसका बहुत सम्मान हो रहा है, जिस तरह से आप सुनते हैं मैला ढोने वाले लोग, इसी तरह का ये काम है जो वो कर रही है। तो वो काम करके इस तरह से अपना पेट पालती है, लोगों का इस्तेमाल, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, दो बचा खुचा होता है वो लेकर आती है अपने, और रखे कहां, उसके पास कोई बैग लेकर तो घूम नहीं रही। तो वो करती क्या है कि जिसके ऊपर वो अपना कनस्तर रखती है उसके नीचे एक पोटली बनाती है। जो गांव में भी आप देखेंगे अक्सर कई बार शहद बेचने वाले आते हैं तो एक मुरेठा की तरह बनाते हैं, टोपी की तरह, और वो बड़ी सी साड़ी होगी या कोई ऐसा कपड़ा होगा जिसको हम लपेटते लपेटते एक पोटली नुमा बना देंगे, उसको रख करके उसके ऊपर वो टीन का डब्बा रखती है। तो उसको वो जैसे ही रोटी मिली ठकुरानी से, वो उसने उसको खोला तो एक दिखता है, ठकुरानी ने तो नहीं देखा लेकिन लेखक बताता है, उसका वर्णन करता है कि वो फटी हुई साड़ी होती है, उसी से उसने अपना वो बनाया हुआ है जो जिससे वो उसके सर पर चोट ना लगे। तो वो पोटली नुमा, तो उसने उसको उसमें उसी के एक छोर में उसने फट से रोटी एक खाली चाय में डुबो डुबो के, और दूसरी रोटी उसने अपने पति के लिए। फिर सामने तब तक एक किराएदार आए होते हैं, वो उसके घर से एक बच्ची आती है ठकुरानी के घर में, आके बोलती है कि मम्मी ने बुलाया है, हमारे यहाँ भी मिट्टी देनी है। तो वो कहती है अच्छा आ रही है थोड़ी देर में। वो पहुँचती है वहाँ, जाती है तो वो भी उसे दो तीन रोटियाँ दे देती है, वो रोटी लेती है, लेकर वो चलना शुरू करते कर पहले करते ठीक है मैं कल लेकर मिट्टी आऊंगी, तो मुझे इतनी मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी के मोल भाव होते हैं, बदले में उसे दिया जाता है दो रोटियां तीन रोटियां दी जाती है। वो लेकर फिर उसमें से भी वो बांध लेती है। रास्ते में वो ठीक वैसे ही जो जैसे एक अंडे वाले की कहानी हम सुनते गए, इतना अंडा बेचकर इतना मिलेगा, वो सोचते हुए तो रास्ते में, और उस दिन उसको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। अच्छा, तो वो चलती है जाते हुए सोच रही है कि आज मैं जाऊंगी तो अपने बुड्ढे को मैं साग खिलाऊंगी। ये सोचते हुए एक मतलब बुड्ढे के पास पहुंचकर रोटी बनी बनाई है, नहीं तो हर दिन वो लौटती है तो देखती है कि बुड्ढा जो है वो दूर से उसे देखता है और देखकर ये इंतजार करता है कि इतनी देर बाद आई, पूरे दिन वो मिट्टी बेच करके जब गाँव लौटती है घंटों चलकर पहुंचती है गाँव में झोपड़ी में, तो बुड्ढा वेट कर रहा होता है कि जैसे आएगी तो कुछ खाना वाना बनाएगी तो मैं दिन भर का भूखा कुछ खाऊंगा।
तो वो ये कल्पना करते जाती है कि आज पैसे हैं, उस पैसे से मैं प्याज खरीदूंगी और प्याज को तल कर उसे बढ़िया से सब्जी जैसा बना दूंगी, और बुढ़े को ये 3 रोटियां हैं तो 2 तो वो नहीं खाएगा, अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, हो सकता 1.5 खाए, मैं भी 1.5 खा लूंगी, 1 रोटी तो मेरी पेट में पड़ी ही हुई है, ऐसे बोल सोचते सोचते वो पहुंचती है। लेकिन दुर्घटना हो जाती है, वो पहुंच कर देखती है कि वो इंतजार भी नहीं कर रहा उसका बूढ़ा, और किसी तरीके का उसके आने पर जैसे हर बार वो बेचैनी दिखाता था, उसको देखता था तो जिस तरह की सुगबुगाहट होती थी उसके आने से कि आर्ट से, उस वैसा कुछ आज नहीं हुआ उसके जीवन में। वो पहुंची उसके कदमों की आहट से, उसका बूढ़ा, उसका पति जो इंतजार कर रहा होता था हर बार, वो आज किसी तरह से हिला नहीं। तो उसे थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद सो रहा है। फिर वो पास जाती है तो देख रहा है, उठाती है लेकिन वो उठता नहीं है। उसे बहुत सदमा लगता है कि आज मेरा पति नहीं रहा, पति की मृत्यु हो जाती है। तो अब आप सोचें, यहां पर रुक कर सोचें कि भूख, पूरे दिन मेहनत करके वो भूख अपने पति की बुझा सके, उसके लिए रोटी इकट्ठा करके आती है और भूखा पति मर जाता है। तो ये घटना क्यों होती है, इस पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि गरीबी का एक ऐसा आलम है समाज में, इतनी ऊंची खाई है कि कोई अलग अलग तरीके के हम सब लोग जीवन जीते हैं, कोई मिट्टी खरीद रहा है, कोई मिट्टी बेच रहा है, तो इस तरह भूख के लिए ही सारी चीजें हो रही हैं। तो इस घटना में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं, अगर उसके पास थोड़े खेत होते तो उसमें अनाज उपजा सकती थी, वो फसल उगा सकती थी, किसी और तरीके से अपना जीवन यापन करती, लेकिन उसके पास कोई सुविधा नहीं, इसीलिए वो अपने घर से घंटों पैदल चलकर शहर में जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं? तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए लोगों का कि लोग विस्थापित ना हो। कहानी में आगे नीचे आकर कहता है कि उसके बुड्ढे को अब रोटी की जरूरत नहीं रह गई। कहानी में कहते हैं, माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंकी नहीं, उसने अपनी नजर उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी मिट्टी को छोड़कर जा चुका है। अब यहां भी मिट्टी आ रही है, लेकिन वो मिट्टी जमीन को छोड़कर वह स्वर्ग सिधार चुका है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहां है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। कहानी का ये आखिरी हिस्सा है, यही से कहानी का पता चलता है कि कहानी क्यों बुनी गई। मेरी जिंदगी तो, कहती है माटी वाली, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहां से लाती हो? माटा खाना से लाती हूं माटी। या वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? यानी क्या वो माटा खाना जहां से तुम उठाकर मिट्टी बेच रही हो, वो मिट्टी इलीगल है तुम्हारा बेचना? अब यहां पर वो साहब कहता है, पुनर्वास वाला, उसका काम पुनर्वास वाले का था उसे उसे घर मुहैया कराना, उसे जीवन यापन की सुविधा देना। बदले में वो उससे कह रहा है कि क्या जहां से तू मिट्टी उठा रही है, बेच रही है अपने जीवन यापन के लिए, वो तेरे नाम है? वो जमीन जिसकी मिट्टी तू खोद रही है? तो वो कहती है कि अगर वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरे नाम लिख देते, तू बता, अगर तेरे नाम है तो मैं लिख दूंगा पुनर्वास के नाम पे। तो माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब, मतलब मेरा रोजगार है, मैं जाती हूँ वहां से उठा कर लाती हूँ। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, तेरी रोजी का नहीं। वो उसके साथ बिहेव कैसे कर रहा है कि तू मिट्टी उठा रही है, मिट्टी का क्या मोल? आप खुद देखें, कहीं से भी हम मिट्टी उठाकर कहीं भी देखेंगे, सड़क के किनारे बहुत सारी मिट्टी लगी। तो मिट्टी अगर कोई बेचकर अपनी जिंदगी चला रहा है तो उस पर सवाल क्यों? तो यहां पर ये पूछता है, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब?
अब यहां पर सवाल आता है कि बांध का जिक्र ये मट्टी वाली क्यों करती है, क्योंकि वो बांध बनने से ही वो उसे उजाड़कर दूसरी जगह स्थापित किया गया है, और ये बांध टिहरी बांध है। टिहरी शहर में उत्तराखंड का एक इलाका है, वहां ये बांध बनाई गई 1973 में, और इस बांध का विरोध काफी हुआ उस समय, लोगों ने आंदोलन किए, वृक्षों को काटा गया। तो उसको रोकने के लिए पर्यावरणविद, जिसको एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, वो पर्यावरणविद उनमें ये शुरू किया टिहरी बांध आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा ने। अभी कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हुई, बहुगुणा जी की, कोविड से ही उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने लंबा उपवास किया, उसका विरोध किया, क्योंकि गांव के गांव उजाड़ दिए गए। उन्होंने वो प्रिडिक्ट किया कि तुम लोग ये जो करने जा रहे हो, बांध बनाने जा रहे हो, उस बांध का जैसे ही ऊपर से, तो आपको पता है हिमालय से नदियां निकलती हैं, अब उसमें गंगा जैसी नदी, भागीरथी जैसी नदी आ रही है, उसके उतने वेग को, उसके उतने जल को तुम रोक रहे हो। रोका तो जा रहा है, या हम जान रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से बांध बनाए गए बिजली के उत्पादन के लिए, लेकिन उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। तो अगर उस बांध के पानी को रोका जाता है, एक भी सुरंग, कई सुरंग बने होते हैं उसके, गेट होते हैं जिसको हम गेट कहते हैं, तो अगर एक भी गेट बंद कर दिया गया तो जलस्तर बढ़ेगा, और जब जलस्तर बढ़ेगा तो आसपास के जो इलाके होंगे डूब जाएंगे, क्योंकि आपने पानी को रोक दिया, उसे नीचे उतरने नहीं दिया। तो ऐसे में बारिश हो गया, मौसम है, पहाड़ है, नदियां निरंतर बहती हैं, तो उस स्थिति से का खतरा होता है। तो इसकी ओर इन लोगों ने विरोध किया था, और एक लंबा आंदोलन चलाया गया। आज भी कई डैम बनाए जा रहे हैं। अब जैसे गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध जो बना, जो विस्थापित हो गए उन्हें हम, उनको पुनर्वासित नहीं करते, वो छोड़ दिए जाते हैं। अब वो कैसे अपना जीवन जी रहे हैं उसके बारे में हम फिक्र नहीं करते। आप जिस बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, वो बिजली उनके घरों में नहीं जलती, वो हम शहरों, हम शहरी घरों में पहुंचती है, हम उसका इस्तेमाल तरह से कर, तरह तरह से, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत मार्मिक, ऐसे ही कहीं मिट्टी बेचकर, कहीं ईंट बेचकर, कहीं किसी जगह पर बेगारी करके उनकी जिंदगी चलती है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम ऐसी, अगर हम ऐसी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें सब पक्षों पर ध्यान देना होगा, सबका ख्याल रखना होगा, हर वर्ग का ख्याल रखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस आधुनिकता का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस बात पर वो आगे बढ़ती है और कहती है कि इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे ही तय करनी पड़ेगी। बांध बनाने के बाद मैं क्या खाऊंगी, बांध जब बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी, उसका जवाब देता है पुनर्वास अधिकारी। टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल श्मशान घाट डूब गए, तो सबसे पहले नीचे श्मशान घाट डूब गए। तो जो लोग, अब ये श्मशान कहां से आ गया, सवाल क्यों उठता है, तो जो डूबेगा, गांव के गांव डूबेंगे तो लोग मरेंगे, अचानक रातों रात पानी आ गया, लोग मरेंगे, तो उन लोगों को, मरे हुए लोगों को आप कहां जलाएंगे, कहां दफन करेंगे। तो उनको तो दो गज जमीन भी मयस्सर नहीं हुई, नहीं मिलती है। इस बात को लेकर आती है माटी वाली, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वालों से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। ये श्मशान की बात क्यों कह रही है, यानी उसकी जिंदगी भी जीते जी उसकी जिंदगी कैसी है, मौत से बदतर अच्छी तो नहीं, तो कम से कम उसकी जो झोपड़ी है वही तो बच जाए, वो झोपड़ी ही उसके लिए श्मशान की तरह है। तो इस तरह की बात इस कहानी से उभरती है, और हम
हमें ये सजग करती है। नौटियाल विद्यासागर नौटियाल ने इस ओर इशारा किया कि हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए, मजदूर हो गरीब तबके का ख्याल रखना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए समाज में। इस तरह के इश्यूज को सिर्फ आर्थिक सामाजिक नहीं, जातिगत भेद भी न हो। ठकुरानी है, ठकुरानी के घर भरजन मिट्टी देने जा रहा, ऐसी विषमता भी न हो। नौटियाल जी खुद मार्क्सवादी थे और उन्होंने उन्हें विधानसभा में बना में शामिल किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। तो वो एक बहुत ही प्रखर लेखक और इस तरह प्रखर वक्ता थे, लेखक थे और समाज सुधारक थे, समाज की को जागरूक करते थे। इस तरह से उनके बारे में और इस तरह की के मुद्दों पर उन्होंने काम किया, लिखा और हमारा ध्यान उस ओर खींचा। तो कहानी इस तरह से बढ़ती है। आगे नौटियाल जी का परिचय मैंने पीपीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है बच्चों के लिए। समय का अभाव यहाँ अभाव है तो मैं नहीं तो उनकी चर्चा करती। नहीं मैम, आप उनकी जैसे आपने बताया विद्यासागर नौटियाल की चर्चा तो हमने इस पूरी कहानी में ही देख ली। उनका जो भाव था इस कहानी के द्वारा जो उन्होंने दिखाया दर्शाया उसी में हमने विद्यासागर नौटियाल जी का जो जीवन था, किस तरह से उन्होंने गुजारा, किस तरह से उनका उनकी जीवन रहा होगा वो हमने इससे जाना कि किस तरह से वो दूसरों के लिए जिए, किस तरह से उन्होंने इन तमाम जो सामाजिक मुद्दों पर बात की उनको एड्रेस किया। उन आप सबको ये रिक्वेस्ट भी करें इस कहानी के थ्रू कि इन सब को, जैसे जातिवाद की आपने बात करी हमसे मैम कि ये सब नहीं करना चाहिए। अपाला मैम, मैं समझती हूँ कि जिस भाव से आज हमने ये सेशन इस कहानी को हमने दर्शाया है, आपने बताया है, उसी तरह से हमारे दर्शकों ने हमारे छात्रों ने इसे समझा हो और इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर लियो। अपाला मैम आपका एक बार फिर से धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने इतना अच्छा सेशन, इतनी अच्छी कहानी हमारे स्टूडेंट्स को समझाई सुनाई। थैंक यू मैम। थैंक यू। और मैं अपने तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। इसी तरह से जुड़े हुए पीएम विद्या चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल से फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।